बिस्मिल्लाह रहमान रहीम, अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। व्यूअर्स वेलकम टू माय चैनल प्रो पाक जॉब डॉट कॉम। व्यूअर्स आज की वीडियो हमारी होने जा रही है FIA के रिटर्न टेस्ट के बारे में कि आप लोगों ने कंप्यूटर पर कैसे देना है। मैं इस पर पहले भी एक वीडियो बना चुका हूं, लेकिन काफ़ी सारे सवाल मुझे आ रहे हैं कि सर हमने नेविगेशन का मसला आ रहा है, सर हमने नेक्स्ट क्वेश्चन पर कैसे जाना है, सर हमने टिक कैसे करना है क्वेश्चन पर, और मुख्तलिफ तरह के सवाल हैं जो कि मैं आपको आज की इस वीडियो में कवर कर दूँगा। क्योंकि आज है 12 दिसंबर और 13 दिसंबर से FIA के जो रिटर्न टेस्ट हैं वो स्टार्ट हो रहे हैं। मैं आपको एक और बात बताता चलूं कि जो बंदा रिटर्न टेस्ट देने जाएगा ना, ये एक दिन टेस्ट नहीं होगा, ये टेस्ट होगा तकरीबन 20-25 दिन ये टेस्ट होते रहेंगे, ठीक है। तो जिन लोगों के टेस्ट हो गए ना 13 दिसंबर से स्टार्ट हो रहा है, ऑनवर्ड होते रहेंगे, उन लोगों से मेरी एक छोटी सी दरख्वास्त है कि अगर जब वो टेस्ट देने जाएंगे ना, तो वो कुछ क्वेश्चन को अपने जहन नशीन कर लें, और वो क्वेश्चन आकर बाहर आकर टेस्ट से बाहर आकर वो लिख लें किसी कॉपी पर, और वो फिर हमें व्हाट्सएप पर या किसी तरह बता दे ताकि हम उस पर एक वीडियो बना दें, ताकि जिन लोगों का आने वाला टेस्ट हो वो समझ जाएंगे किस तरह का टेस्ट होगा। तो आज की ये वीडियो हमारी है जी FIA का रिटर्न टेस्ट अपने कंप्यूटर पर कैसे देना है, आपके तमाम सवाल कवर करने जा रहा हूँ। तो चलिए दोस्तों वीडियो शुरू करते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले आप लोगों से एक छोटी सी दरख्वास्त कि अगर अभी तक आप लोगों ने हमारा ये चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और साथ में दिए गए बेल के आइकन को लाजमी दबा लें ताकि आपको हर आने वाला वीडियो की नोटिफिकेशन वक्त पर मिलता रहे। मजीद अगर आप हमारे व्हाट्सअप ग्रुप में शामिल होना चाहते हैं तो उसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन मिल जाएगा, और अगर आप हमारे फेसबुक ग्रुप और यूट्यूब चैनल को ज्वाइन करना चाहते हैं तो उसका भी लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। अभी हम आते हैं टॉपिक की जानब कि आपने कैसे सोल्व करना है कंप्यूटर पर FIA का रिटर्न टेस्ट। आपको कोई भी पोस्ट हो, कंप्यूटर LDC की है, स्टेनोटाइपिस्ट की है, कांस्टेबल की है, असिस्टेंट इंस्पेक्टर की है, इन्वेस्टिगेशन इंस्पेक्टर की है, जो भी पोस्ट है आपकी, वो होगा कंप्यूटर पर टेस्ट। तो आपने कंप्यूटर पर कैसे कैसे टेस्ट सोल्व करना है, एक मरतबा फिर रिपीट कर रहा हूँ। इस पर मैं पहले भी एक वीडियो बना चुका हूँ, वो वीडियो मैं आपको आप देख सकते हैं या मेरे चैनल पर, नहीं तो आप आज वाली वीडियो भी देख रहे, तो इसमें भी काफ़ी सारे सवाल कवर हो जाएंगे। तो सबसे पहले जी जब आप कंप्यूटर पर बैठेंगे तो सबसे पहले आपको FIA वाले इंस्ट्रक्शन देंगे, जो आपको बताएंगे वो आपने वो गौर से सुन लेनी है, ठीक है। जब आपका टेस्ट शुरू होगा तो आपकी स्क्रीन कंप्यूटर स्क्रीन पर आपकी एक स्टूडेंट ID होगी और एग्ज़ाम पासवर्ड होगा, वो देंगे तो फिर यहाँ पर लिखेंगे स्टूडेंट ID के सामने स्टूडेंट ID, वो आपको FIA वाले बताएंगे या फिर आपके रोल नंबर स्लिप पर होगी, ठीक है। स्टूडेंट ID यहाँ पर देंगे, फिर एग्ज़ाम पासवर्ड देंगे, उसके बाद नीचे लिखेगा लॉगिन, माउस पर जाकर क्लिक करेंगे लॉगिन पर आपका लॉगिन हो जाएगा, ठीक है। फिर उसके बाद आपके सामने ये विंडो ओपन हो जाएगी, ठीक है, इंस्ट्रक्शन वाली, यहाँ पर वो आपको बताएंगे कि आपने ये नहीं करना ये नहीं करना, तो ये सब कुछ आपके सामने हो जाएगा। उसके बाद आपके सामने आ जाएगी मेन स्क्रीन, ठीक है। मेन स्क्रीन में देखें इस तरह का क्वेश्चन आएगा, सबसे पहले ऊपर लिखोगा क्वेश्चन, जैसे मैं पढ़कर सुना देता हूँ आपको कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट द एडवांटेज ऑफ कंप्यूटर। नीचे 4-5 ऑप्शन दिए हुए हैं, एफिशेंसी, रिलायबिलिटी, सेफ्टी, फास्ट रिजल्ट। तो जो भी इस पर ऑप्शन ठीक होगा वो आपने कर देना इस पर क्लिक, तो वो ऑप्शन आपका टिक हो जाएगा। उसके बाद नीचे नेविगेशन बटन है, नेविगेशन बटन का मैं आपको आगे जाकर बताता हूँ कि आपने आगे कैसे जाना है, पीछे कैसे जाना है, क्वेश्चन को सेव कैसे करना है, वो मैं बताता हूँ। तो यहाँ पर देख सकते हैं कि जो मेन स्क्रीन की टॉप है उस पर वो आपको बता रहा है कि जी नंबर 1 पर कर्सर, डिस्क्रिप्शन इंक्लूडिंग कोर्स को टाइटल बता रहा है मेन स्क्रीन के टॉप पर, ठीक है। उसके बाद वो कह रहा है स्टूडेंट ID नेम बता रहा है, करंट क्वेश्चन नंबर बता रहा है, ठीक है। ये देखिए नंबर 1 पर ये कह रहा है कि आप देख सकते हैं कि यहाँ पर लिखा हुआ है कोर्स डिटेल लिखी हुई है, नंबर जो 2 है यहाँ पर स्टूडेंट ID लिखी हुई है, तो ये आपको तकरीबन तमाम जो स्क्रीन पर नज़र आ रहा होगा ये सब कुछ होगा। उसके बाद मेन स्क्रीन जो बॉटम है, ये बात समझने वाली है कि नंबर 1 पर देखेंगे जहाँ पर नंबर 1 लिखा हुआ है, यहाँ पर नीचे मार्क करेंगे तो नीचे लिखा होगा नंबर 1, तो यहाँ पर नंबर 1 पे वो क्या है, क्या कह रहा है कि टाइमर हैविंग स्टार्ट टाइम एंड टाइम लेफ्ट। जब आप क्वेश्चन नंबर पहला अडॉप्ट कर लेंगे ना तो आपका टाइम स्टार्ट हो जाएगा, जितना भी टाइम आपको मिलेगा। तो उसके बाद ये टाइमर स्टार्ट हो गया। नंबर 2 पर है इंस्ट्रक्शन बटन, नंबर 2 ये आप जहाँ पर पॉपअप बना हुआ नंबर 2 लिखो, ये इंस्ट्रक्शन बटन, ये आपको बताएगा कि आपने क्या क्या करना है। नंबर 3 पे वो कह रहा है कि क्वेश्चन नेविगेशन बटन टू मूव टू नेक्स्ट प्रीवियस क्वेश्चन। नंबर 3 पर आप देख सकते हैं कि जहाँ पर ये डब्बा सा बना हुआ और 3 ऊपर लिखा हुआ, ये क्वेश्चन नेविगेशन बटन है, यानी कि तो आपने अगले क्वेश्चन पर जाना है, पिछले क्वेश्चन पर आना। अगर मिसाल के तौर पर आपने 5वां सवाल हल कर लिया तो आपका दूसरा रह गया, तो आपने बैक आकर दूसरा करना, ये होते हैं क्वेश्चन नेविगेशन बटन। यहाँ पर फॉरवर्ड का भी है, बैक का भी है, और यहाँ पर मैं आपको फिर कह रहा हूँ कि ये कोई नेविगेशन बटन है, यहाँ पर आपने आगे क्वेश्चन को लेकर जाना, बैक क्वेश्चन पर आना, ठीक है। तो जो क्वेश्चन आपका रहता होगा वो आप वापस आकर करेंगे, जो आप नहीं तो आप करते जाएंगे साथ साथ, तो ये आपका होता जाएगा। तो नंबर 4 पर कह रहा है सेव आंसर बटन, नंबर 4 वाला जो आपके सामने नज़र आ रहा है नुक्कड़ पर साइड पर कोने पर, वो है नंबर 4। जब आप क्वेश्चन कर लेंगे तो उसको दबाएंगे तो वो आपका क्वेश्चन सेव हो जाएगा, ठीक है।
तो ये है जी FIA का टेस्ट की कंप्लीट थोड़ा इंस्ट्रक्शन कि आपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर कैसे जाना है, बैक क्वेश्चन पर कैसे जाना है, को सेव कैसे करना है, टिक कैसे करना है, या फिर नीचे इंस्ट्रक्शन बता रहा है, ठीक है। तो ये इंस्ट्रक्शन आपने पढ़ लेने, सब क्वेश्चन जो होंगे मल्टीपल चॉइस होंगे, नेगेटिव मार्किंग का मुझसे पूछ रहे थे, नेगेटिव मार्किंग नहीं होगी, ठीक है। तो उसके बाद डिस्क्रिप्शन क्वेश्चंस, ये नीचे आपको स्क्रीन के बारे में सब कुछ बताया जा रहा है, उसके बाद ये स्क्रीन के बारे में सब कुछ आपको बताया जा रहा है, फिनिश पेपर हो गया आपका, यहाँ पर फिनिश पेपर हो जाएगा, और यू हैव अटैम्प्ट 3 out of 26 नंबर क्वेश्चंस, यही दो नंबर 2 पर कह रहा है कि फिनिश क्वेश्चंस, रिज्यूम क्वेश्चंस, मतलब कि आप ने जो मैं आपको तरीकाकार बताया है ना उस पर फॉलो करना है। बाकी मैं एक बात और बता दूं, जब आपका टेस्ट स्टार्ट होगा तो FIA वाले भी आपको मुकम्मल गाइड करेंगे, या जो अमला आपका एग्ज़ाम ले रहा होगा वो आपको मुकम्मल गाइड करेगा। तो आपने टेंशन नहीं लेनी कि हम पता नहीं किस मुसीबत में फंस गए, कोई टेंशन नहीं लेनी, लेकिन ये है कि आप ना माउस को थोड़ा सा चलाना सीख कर जाएँ कि माउस को कैसे चलाना, ये ना हो कि आप यहाँ पर कर रहे हो आपको माउस चलाना भी ना, तो माउस चलाना सीख लें, बाकी वाला कोई मुश्किल काम नहीं है। तो अपना आज की वीडियो में इतना ही, मज़ीद वीडियो के लिए आप मेरे चैनल के साथ जुड़े रहें, और मज़ीद अगर आपको कोई सवाल है ना तो आपने मुझे नीचे कमेंट करके ज़रूर बताना है, और अगर आप हमसे नोट्स लेना चाहते हैं तो नोट्स हमारे पास अवेलेबल होते हैं तमाम पोस्टों के लिए, उनकी फ़ीस है वो फ़ीस के बगैर नहीं मिलेंगे, लेना चाहते तो ना डिस्क्रिप्शन पर नंबर मिलेगा। इसके अलावा आप अगर आपको कोई सवाल है FIA के रिलेटेड या कोई और जॉब्स के रिलेटेड जाना चाहते तो आप कमेंट कर सकते हैं। तो व्यूअर्स आज की वीडियो में इतना ही, मिलता है अगली वीडियो में, तब तक दे इजाज़त, अल्लाह हाफिज़।